फिल्म की जो स्टोरी है दबंग 3 की, वो भी सलमान भाई ने लिखी, उसके लिए जोरदार तालियां। भाई जब ये स्टोरी लिखी थी आपने, सलीम साहब से आप डिस्कस करते थे कुछ? नहीं, उनको एंड में दिखाया और उनको पसंद आया। अच्छा, तो शुरुआत जब करी आपने, कब उनको कुछ नहीं बताया कि क्या? शुरू शुरू में उनसे शेयर किया करते थे हर चीज। अच्छा, तो वो सुना भी नहीं करते थे और अच्छा, जब सुनते थे, गौर से सुनते थे, तो बोलना कि ये बेवकूफ़ी की चीज़ मत करना। हाँ, अच्छा, ये नहीं चलेगी, पिट जाएगी। दो स्टार बहुत बड़े बड़े हो गए उन टीवी मूवी से। भोकाल कर दिया सर आपके, तो हम इतने बड़े फैन रहे हैं ना, व्हाट टू टेल यू सर। सर आपका वो जो तेरे नाम फिल्म आया था सर, ओ ओ, और वो हेयर स्टाइल बनाया हमने ऐसा वाला, ये मांग वाला, बीच की मांग। तो हटा क्यों दिया फिर? लेने पर हटाना पड़ गया यार, बहुत सारे रिश्ते आने लग गए और वो भी लड़कों के, कि ये मांग हम ही भरेंगे। वैसे सोनाक्षी जी आज यहाँ पर आई है, कप्पू शर्मा I will give you one order. सोनाक्षी जी से आप चार सवाल पूछेंगे ना, उसके साथ एक सवाल फ्री में पूछिए, 4-1 फ्री फ्री फ्री। क्यों? रेगुलर कस्टमर है यार अपने। सर हम आपको बता रहे हैं, आपके फिल्म के इंटरवल में ना प्रसाद बटेगा। क्यों? क्योंकि खुद प्रभु ने डायरेक्ट किया है यार फिल्म को। हम सलमान सर के साथ यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, आप क्यों जूहू में बोल रहे हैं? जूहू में नहीं, बीच में बोलते, ये होता है। हाँ, तो जूहू में बीच ही है यार, वहाँ कौन से पहाड़ है।